हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, तो बढ़िया ही रहना। एंड गाइस, फाइनली एक और वीडियो आ गई है। एंड ये वीडियो होने वाली है हमारी गिल्ड के ऊपर, क्योंकि यार बहुत सारे लोगों के कमेंट आते रहते हैं। मैं कुछ भी वीडियो अपलोड करूँ, उनको वीडियो से कुछ मतलब नहीं है भाई। वीडियो में आके सिर्फ यही कमेंट करेंगे भाई, गिल्ड में ले लो प्लीज़, गिल्ड में ले लो, अड्डा आर्मी में ले लो, इंस्टाग्राम पर रिप्लाई दे दो, बस यही कमेंट तुम ज़्यादातर करते हो भाई। और भाई मैं नहीं चाहता यार तुम लोग इतने परेशान हो, और भाई तुम आना चाहते हो यार दिल से, तुम हमारी गिल्ड में आना चाहते हो, तो प्लीज़ आओ जल्दी। मैं किसी को मना कर रहा हूँ, और आज की इस वीडियो में पूरा बता दूंगा कैसे तुम गिल्ड में आ सकते हो। एंड बहुत सारे लोगों के डाउट है कि इंस्टाग्राम पर रिप्लाई नहीं मिलता है, एंड सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे, कितना लेवल चाहिए, कितना एडसेट रेट चाहिए, कैसे कैसे तुम आ सकते हो, पूरा पता चल जाएगा। तो भाई यही एक मैं देखो एक ही चीज़ बोलता हूँ मैं हर बार कि भाई वीडियो को पूरा देखा करो। अगर देखो तुम बहुत सारे बंदे क्या करते हैं ना, वीडियो को पूरा नहीं देखते, अब फिर वो क्या करते हैं ना, बिना वीडियो को पूरा देख के जो मैं आगे स्टेप बताता हूँ वो करने लग जाते हैं। अब तुम वीडियो में पूरा देखोगे नहीं, आधी बात सुन के जाओगे, और तुमको पता नहीं रहता कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, फिर तुम आगे इंस्टाग्राम पे मेरे से रिप्लाई मांगते हो। मैं तुमको रिप्लाई नहीं करता हूँ, मैं देखता हूँ, दो तीन मैसेज पढ़ता हूँ तुम्हारे, और तुम मेरे को उलट पलट बंदे लगते हो, तो भाई मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ। मैं उनको ही देता हूँ रिप्लाई जो एकदम जेन्युइन बंदा होता है, एंड एकदम अच्छा बंदा होता है, ठीक है, जो उसका रिक्वायरमेंट वगैरह सब कुछ पूरी होती है। तो इसलिए बोलता हूँ पूरी वीडियो को देख के जाया करो एंड तक, तभी तुमको सब कुछ पता चलेगा। तो गाइस चलो फटाफट से मैं बताता हूँ क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है हमारी गिल्ड की। तो गाइस तुम लोग को पता ही है कि हमारी दो गिल्ड है, एक तो अड्डा आर्मी फर्स्ट है, एक अड्डा आर्मी सेकंड है। अगर तुम अड्डा आर्मी सेकंड में आना चाहते हो तो उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इजी है। वो गिल्ड हमने लो लेवल प्लेयर्स, अंडर रेटेड प्लेयर्स के लिए बनाई है, जो कि अंडर रेटेड प्लेयर हैं, जिनका गेम प्ले बहुत ज़्यादा अच्छा है, और वो गिल्ड में एक अच्छी सी गिल्ड ढूंढ रहे हैं जिसमें फैमिली वाला व्यवहार हो और सब लोग तमीज़ से बात करें और साथ में गेम प्ले वाले बंदे हो एंड गिल्ड एकदम मस्त हो, एकदम भाईचारे की तरह सब लोग रहे। तो गाइस हमारी तुम अड्डा आर्मी सेकंड में आ सकते हो। रिक्वायरमेंट क्या है मैं बता देता हूँ। देखो तुम्हारा 55 लेवल होना चाहिए और तुम्हारा 45 प्लस हेडशॉट रेट होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हारा 45 प्लस हेडशॉट रेट है तो तुम गिल्ड के लिए गेम प्ले टेस्ट दे सकते हो। अब गेम प्ले टेस्ट तुम्हारा होगा 1v2 या फिर 1v1 में। अगर तुम्हारा 1v2 में होता है तुमको 3 या 4 राउंड निकालने होंगे, अगर तुम्हारा 1v1 में होता है। वो हम लोग पे डिपेंड करता है कि हमारे कितने बंदे अवेलेबल है, जितने बंदे हमारे अवेलेबल होंगे उस हिसाब से हम तुम्हारा गेम प्ले टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे दो बंदे अवेलेबल हैं तो तुम्हारा 1v2 में होगा, एक बंदा अवेलेबल तो 1v1 में होगा, जिसको तुमको हराना होगा, ठीक है। एंड बात करते हैं अपनी मेन गिल्ड की, और इसी तरीके से आ सकते हो। एंड ये बताऊंगा मैं लास्ट में कि तुम गेम प्ले टेस्ट दे कैसे सकते हो हमारी गिल्ड में आने के लिए। तो गाइस अभी बात करते हैं फर्स्ट गिल्ड की। तो फर्स्ट गिल्ड की रिक्वायरमेंट मैं तुम लोग को बता देता हूँ। देखो फर्स्ट गिल्ड में क्या होगा, फर्स्ट गिल्ड में लेवल चाहिए तुम्हारा मिनिमम 60 प्लस। अगर तुम्हारा 60 प्लस लेवल है तो तुम इजीली आ सकते हो। एंड उसमें भी हम लोग जो फर्स्ट गिल्ड है वो मेरी गिल्ड है, मैं ही उसका लीडर हूँ। एंड तुम अगर मेरे से बात करना चाहते हो, मेरे साथ खेलना चाहते हो, या फिर हमारी गिल्ड में के साथ गिल्ड प्लेयर के साथ खेलना चाहते हो, सारे के सारे दिल के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सब लोग तुम्हारे साथ खेलेंगे, अच्छे से तुम लोग को रखेंगे, सब लोग कस्टम वगैरह खेलते रहते हैं, पुशिंग वगैरह भी करते रहते हैं, एंड बहुत अच्छे अच्छे बंदे हैं गिल्ड में। एंड किसी को प्रोफाइल से जज मत करना, एक ही बात मैं बोलूंगा, गिल्ड में आओगे तो प्रोफाइल से जज मत करना भाई। एक दिल भी होता है, एक अच्छा व्यवहार भी होता है बंदे का, प्रोफाइल से ज्यादा अच्छा व्यवहार मैटर करता है। अगर तुम्हारी सामने वाले बंदे की प्रोफाइल कितनी भी अच्छी है ना, वो ग्रैंड मास्टर पे है, वी वैज भी है ना उसके पास, अगर भाई वो बंदा सही से बात नहीं करता ना किसी से भी, और सबको गाली से बात करता है, या फिर बिना बात के उल्टी सीधी बात करता है, या फिर रिस्पेक्ट तुमको नहीं देता है, तो ऐसे बंदे पे थू है, बिल्कुल थू है भाई, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ऐसे बंदों की। और एक अगर लो लेवल प्लेयर भी है ना, और वो अंडररेटेड है, और वो तुमसे अच्छे से बात कर रहा है, तो भाई इससे ज़्यादा क्या ही बात है। यही बात है हमारी गिल्ड में, इसलिए भाई अड्डा आर्मी मशहूर है, इसलिए सब लोग आना चाहते हैं अड्डा आर्मी में। और क्योंकि भाईचारा एक होता है ना, भाईचारे की तरह रहते हैं हम लोग। एंड मैं भी बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं देखता कि भाई मैं अच्छे बंदों के साथ खेलूंगा, हाई लेवल के प्लेयर के साथ खेलूंगा, मैं सब लोग के साथ खेलता हूं जब ऑनलाइन आता हूं। जो मेरे ग्रुप में रिक्वेस्ट डाल देता है पहले, मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूं, ठीक है। बहुत हो गई यार ये साइड की बातें। एंड अभी बात करते हैं मेन बात की, रिक्वायरमेंट क्या है। 60 प्लस लेवल चाहिए, 1v2 1v या फिर 1v1 में गेम प्ले टेस्ट देना होगा। गेम प्ले टेस्ट में अगर तुम पास हो जाते हो तो डायरेक्ट मैं गिल्ड में ऐड कर लूँगा। गिल्ड में आने के बाद नेम चेंज कर लेना, डेली ग्लोरी अपनी कंप्लीट करते रहना। ग्लोरी नहीं दोगे या फिर ऑफलाइन रहोगे एक दिन के बाद, फिर 3-4 दिन बाद ऑनलाइन आ रहे हो, तो भाई तुरंत किक कर दिया जाओगे। फिर बिल्कुल भी हम पे ब्लेम मत डालना कि भाई यार किक कर दिया हमको गिल्ड में से, रेस्पेक्ट नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा भाई। फिर तो भाई हर गिल्ड में किक करा जाएगा ना, तुम ऑफलाइन रहोगे तो ऑफलाइन रहना, और किसी को गाली गलौच नहीं करना, ठीक है। बस इतने से रूल्स हैं। एंड अभी मैं बता देता हूँ तुम लोग गेम प्ले टेस्ट दे कैसे सकते हो। तो इस गेम प्ले टेस्ट देने का एक ही तरीका है, इंस्टाग्राम पे आ जाना। अगर तुम्हारा 50 प्लस हेडशॉट रेट है तो गाइस मेरे को मेंशन कर देना फर्स्ट गिल्ड में, तो मैं तुम्हारा फर्स्ट गिल्ड के लिए गेम प्ले टेस्ट ले लूंगा। और अगर तुम्हारा 40 प्लस या फिर 45 प्लस हेडशॉट रेट है
तो गाइस मेरे को मेंशन कर देना कि मैं सेकंड गिल्ड में आना चाहता हूँ और मैंडेटेड प्लेयर हूँ, ऐसा करके मैसेज मेंशन करके मेरे को स्टोरी में मेंशन करके और मेरे को टैग कर देना, ऐसा वैसा कर देना, या फिर डीएम कर देना। डीएम में इतना चेक नहीं करता, स्टोरी में मेंशन कर सकते हो एंड मैं वहाँ पर रिप्लाई आप लोग को दे दूँगा कि भाई ऐसे ऐसे गेम पर टेस्ट देना है। एंड सबसे ज़्यादा मेन बात गाइस, रिप्लाई क्यों नहीं मिलता मैं तुमको बताता हूँ। तो गाइस देखो, मैंने यहाँ पर बताया 50 के हेडशॉट रेट। अभी तुम जबरदस्ती बोलोगे कि अड्डा भाई ले लो रिक्वेस्ट प्लीज़, मेरे को कोई नहीं लेता, कोई नहीं खिलाता, ऐसे वैसे तुम मैसेज करोगे तो बिल्कुल रिप्लाई नहीं मिलने वाला, क्योंकि जब मैंने 50 के हेडशॉट रेट बोला है 50 फर्स्ट किल के लिए तो सभी के लिए इक्वल है, तो भाई सभी को 50 के हेडशॉट रेट करना पड़ेगा। एंड सेकंड किल में अगर मैंने 40 का बोला है तो सब लोग का 40 का होना चाहिए, एंड तुम लोग का तुम्हारा 40 है तो तुम इजीली आ सकते हो, ठीक है। एंड रिप्लाई लेने के लिए क्या करना है कि भाई अच्छे से, पहले बात तो देखो तुमको बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं करना कि डायमंड वगैरह दे दो, ऐसा वैसा बिल्कुल नहीं बोलना। एंड अपना प्रोफाइल फोटो भेज देना। एंड सबसे ज़्यादा जो मेन बात है ना वो गई चैनल को सब्सक्राइब। अगर तुम नए आए हो ना इस वीडियो पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बिना सब्सक्राइब करें इंस्टा पे आओगे तो बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं मिलने वाला। अगर तुम इस सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट भेज देते हो या फिर बता देते हो मैंने सब्सक्राइब करके आया है और मैं तुम्हारी हर एक वीडियो देखता हूँ तो भाई तुमको रिप्लाई मिल जाएगा इजिली। एंड हर एक वीडियो देखनी है, चैनल पर एक्टिव रहना है, बस यही है रिक्वायरमेंट। कभी ये भाई गिल्ड में आ गए, गिल्ड में आके मेरे से पूछ रहे हो कि भाई चैनल का नाम क्या है अड्डा भाई तुम्हारे, भाई सीधा किक कर दूंगा भाई, ध्यान में रखना ठीक है। ये मत पूछ लेना चैनल का नाम क्या है, कितने सब्सक्राइबर है, ये मत पूछ लेना, क्योंकि अगर वो बंदा ये चैनल का नाम कौन पूछेगा जो चैनल पे कभी नहीं देखता, चैनल को मेरे देखता ही नहीं है, वही पूछेगा ना। और चैनल का सब्सक्राइबर कौन देखेगा कि भाई जो जिसको ध्यान ही नहीं है, कुछ वीडियो वगैरह वो देखता नहीं, बस सब्सक्राइब करके छोड़ दिया, और भाई बस उनको लोग को मैं सीधा किक कर दूंगा, ये बात ध्यान रखना। एंड इंस्टा पे तुमको रिप्लाई मिल जाएगा 100%। मैं एक और बंदा और मैं दोनों के दोनों गेम ब्रेडर्स लेने वाले हैं, तो फटाफट से इंस्टा पे आ जाना। एंड नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।